तो मनारा चोपड़ा क्यों कह रही है कि अंकिता लोखंडे झूठ बोलती आ रही है। दरअसल राशन टास्क हुआ और राशन टास्क में दिल वाले आटा नहीं उठा पाए। अब यहाँ पर आटा नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी। तो मनारा कहती है अंकिता से कि आटा तो है नहीं, रोटी नहीं बनेगी, तो अब आपकी ना ड्यूटी चेंज होगी। तो उतनी देर में अंकिता कहती है कि राजगिरी आटा है, उससे रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पर जब अंकिता चली जाती है उसके बाद अभिषेक और मनारा की बातचीत हो रही होती है। तो अभिषेक को बताती है मनारा कि देखो कैसे ये झूठ बोल करके आई है, ये कह रही थी कि इनको रोटी नहीं बनानी आती है और हम तो सिर्फ राजगिरी आटे की रोटी खाते हैं और चाय भी हम लोग नहीं पीते हैं, इनके लिए अलग से कोई मिल्क आता था और यहाँ पर अब देखो दिन में दो दो तीन तीन कप चाय पीती है, नॉर्मल आटे की रोटी भी खाती है। तो उसके बाद अभिषेक क्या कहते हैं कि कुछ लोग होते नहीं, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम तो उस वाले दूध से चाय पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं अंकिता ने शुरुआत में ये सारी चीज़ें बोली थी कि उनको रोटी वगैरह नहीं आती है, ये चीज़ें खाती है, वो चीज़ें खाती है, लेकिन वक्त के हिसाब से अब यहाँ पर अंकिता को रोटी भी बनानी आ गई है। और यहाँ पर मनारा ने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि आटा नहीं है तो रोटी बनेगी कैसे, लेकिन उनके पास राजगिरी आटा है, उनको ड्यूटी चेंज नहीं करनी है तो वो राजगिरी आटे की भी रोटी बनाएंगी लेकिन ड्यूटी चेंज नहीं करेंगी। थैंक यू।